हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो आज है संडे और संडे मैं यहाँ पर फटाफट से मॉर्निंग में पोहा बना रही थी क्योंकि नीरव को जाना है एबेकस क्लास के लिए, तो वो हर संडे जाता है। तो मैंने सोचा फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बनाकर मैं पहले रख लेती हूँ, बाकी थोड़ा बहुत मैंने काम किया और उसके बाद मैं यहाँ आ गई पोहा बनाने। सिंपल पोहा बनाती हूँ मैं, वेजिटेबल जो भी होता है वो डालती हूँ, मतलब जितना हो सके मैं पोहा में वेजिटेबल डालती हूँ। और राई का ज़रूर आप तड़का देना, राई और कड़ी पत्ता का, और जो भी बेसिक मसाले होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो डालकर हमें पोहा मैं पहले ही थोड़ा भिगो देती हूँ और उसमें डाल दो। एंड पोहा में पीनट जब तक नहीं डलता है ना, तो मतलब मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं और मुझे भी बिना पीनट के उतना पसंद नहीं आता है, तो मैं यहाँ पीनट ज़्यादा करके डालती हूँ। और समटाइम किशमिश भी डालती हूँ, आज किशमिश नहीं डाला, मन नहीं कर रहा था। और बस इस तरीके से ब्रेकफास्ट कर लिया और नीरव को मैंने तैयार कर दिया, खुद ही हो गया। बट शूज़ पहनने के लिए थोड़े नखरे कर रहा था आज वो, क्योंकि कह रहा है अभी मुझे रेड शूज़ चाहिए, रेड शूज़ चाहिए। उसके पास ऑलरेडी इतने शूज़ है फिर भी पता नहीं। बाय बेटा। सो उसके बाद मैंने थोड़े बहुत काम किए, कपड़े वगैरह लगा दिए थे और मैं यहाँ पर आ गई फटाफट से लंच प्रिपेयर करने, क्योंकि मेरा आज प्लानिंग था कि मैं भी थोड़ा रेडी होकर जाऊंगी नीरव को कोचिंग से लाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको बाद में बताऊंगी, ध्यांश की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर मैं चेंज कर दिया मैंने प्लान। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने सोचा कि लंच की प्रिपरेशन एटलीस्ट मैं कर लूँ, ताकि मैं अगर बाहर जाऊँ भी, लेट भी हो जाए तो मैं मतलब तैयारी रहेगी तो कोई टेंशन नहीं होती। बट आपकी अगर तैयारी ही नहीं रहती कुछ भी ना, और किचन अगर फैला हुआ हो या फिर आपकी चॉपिंग नहीं हुई है, तो इंटरेस्ट हमारा वैसे भी कुकिंग में थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं हमेशा थोड़ा सा सोचती हूँ कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके रख लूँ। तो बच्चों का टिफ़िन तो हमेशा ही रात में भी मैं इसी ले कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने करेला और बैंगन को इस तरीके से कट कर लिए, तो मैं बहुत ही एक अभी क्योंकि सावन चल रहा है तो भी मैं कुछ नॉनवेज भी नहीं खा सकती, तो वेज में ही सोचती हूँ हर दिन कुछ कुछ अलग अलग तरीके से बनाऊँ। और यहाँ पर मैंने दाल पहले तो मैं बनाने जा रही हूँ, तो जिसके लिए मैंने ये मेरा बचा हुआ था दो तीन दिन पहले का लौकी, तो लौकी थोड़ा सा ही बचा था मैंने कट कर दिया। और यहाँ पर मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, उसमें मैंने लौकी डाल दिया, सॉल्ट एंड टर्मरिक डाल देंगे जो कि काफ़ी हेल्दी भी बन जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा हेल्दी बनाते हैं। और अभी नॉनवेज तो खाना नहीं है तो थोड़ा सा प्रोटीन मिलना चाहिए, इसलिए दाल में ये जो बुद्दा था थोड़ा सा टूट गया था, तो मेरे हस्बैंड ने ना फेवी क्विक से जोड़ दिया। और मैं आज मंदिर मुझे साफ़ करना था तो मैं मंदिर बिल्कुल साफ़ कर रही हूँ। और थोड़ा सा फ्लावर भी मैंने चढ़ा लिया, हमेशा फ्लावर नहीं चढ़ाती हूँ मैं, बहुत ही सिंपल पूजा करती हूँ, बहुत ही सिंपल दिया जलाती हूँ एंड धूप जला लेती हूँ, बस इतना ही होता है। तो आज मुझे सफाई करना था, और कभी कभी मैं नहीं भी करती हूँ, भूल भी जाती हूँ, मतलब समटाइम्स हस्बैंड करके चले आते हैं सुबह, तो नहीं भी करती हूँ, इवनिंग में फिर कर लेती हूँ मैं। तो इस तरीके से मैंने फ्लावर, ये हमारे सामने ही है घर के, देख सकते हो, तो मैंने फ़्लावर ले लिए। तो सो फ्लावर थोड़ा चढ़ा दो ना आप मंदिर में, आपको बहुत अच्छा फील होता है, पता नहीं क्यों एक फ्रेशनेस ऐड हो जाता है। तो फ्लावर मैंने सोचा जब सामने ही है तो क्यों ना तोड़ ले। और यहाँ पर अपना जो तुलसी था मेरा, वो भी मैंने यहाँ पर लगा लिया, मतलब पहले से ही मिला हुआ था ऑलरेडी। यहाँ पर सारी चीज़ें बनाकर मतलब मिलता है तुलसी का भी बहुत अच्छा तरीके से। और फिर मैं यहाँ पर आ गई पूजा करने, और मैं पूजा कर लूँगी। बहुत ही अच्छा आज, बहुत ही प्रोडक्टिव संडे का था, तो मुझे बहुत खुशी मिल रही थी आज, मेरा माइंड भी बहुत शांत था, मतलब इतनी ज़्यादा आज पॉजिटिव थी, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छे से आज का दिन रहा। हर दिन सेम नहीं होता है ना, तो उसी तरीके से कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत ज़्यादा बुरा दिन भी होता है। बट आज मैं अगर बोल रही हूँ बहुत अच्छा दिन था, तो बहुत ही अच्छा दिन था। इसके बाद बस मेरा पूजा हो गया कंप्लीट, और मैं फिर से थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी। मैंने अपना स्किन केयर अभी नहीं किया है, मैंने सोचा पहले मैं ना मंदिर साफ़ कर लूँ, मेरा बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैंने कहा पहले मंदिर साफ़ कर लूँगी ना तो थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा, फिर मैं कुकिंग के लिए चली जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने तुलसी में भी पानी डाल दिया है और यहाँ पूजा हो गया है, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है।
और बहुत सिंपल पूजा होता है मेरा, बहुत ही सिंपल। काफ़ी लोग बहुत कुछ करते हैं बट मेरे से जितना हो सकता है मैं उतना ही करती हूँ, तो इसीलिए। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ और थोड़ा सा लिपस्टिक, आज मैंने न्यूड लगाया, तो मैंने ड्रेस भी इसीलिए पहना था ये वाला। तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं, मतलब थोड़ा सा आज बाहर भी हो जाएगा आउटिंग संडे का, और थोड़ा सा ड्रेस भी पहन लूँगी, थोड़ा अच्छा फील होता है ना। और ये बाय द वे मैंने मिंत्रा से ड्रेस लिया था, बहुत ही अच्छा ड्रेस था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। तो उसके बाद मैं हेयर कॉम करने के लिए आ गई और देखो ध्यानश ने बर्तन यहाँ पर लाकर रख दिया। तो यही करता है वो बर्तन सारे किचन के, अभी भी उसे यही पसंद आता है बर्तनों से खेलना। एनीवेज यहाँ पर मैं किचन में आ गई, थोड़ा सा एक बार और वाइप कर दिया काउंटर टॉप पे, तो हमेशा ही होता ही रहता है गंदा। तो यहाँ पर मैं बैंगन को थोड़ा सा मैरिनेट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाल दिया था और सूजी आज मैंने लिया, बट मुझे इससे अच्छा राइस फ्लावर लगता है, पता नहीं मैंने सूजी क्यों डाला। बट आप राइस फ्लावर लेना और इसमें जो भी बेसिक मसाले होते हैं, चिली पाउडर, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, वो सारी चीज़ डाल लेना है। थोड़ा चटपटा मैंने बनाने के लिए यहाँ पर चाट मसाला डाला है एंड देन बेसन डाल देंगे। थोड़ा सा इसको मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था और हल्के हल्के पानी छीटा डालते हुए इस तरीके से हम सभी को अच्छे तरीके से कोटिंग कर देंगे। बहुत ही सिंपल होता है, इसको बस आपको तवे पे फ्राई करना है, ऐसा नहीं है डीप फ्राई करना है। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ऑयल इसको मैरिनेशन के टाइम पे डाला और बस यहाँ पर मैंने राइस भी चढ़ा दिया। और थोड़ा सा दाल जो था वो थिक लग रहा था तो मैंने ना पानी बिल्कुल गर्म करके और डाल दिया, देख सकते हो, क्योंकि राइस के साथ थोड़ा पतला मतलब सही लगता है। और नीरा ध्यानश की एक्चुअली तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, मैं उसे प्यार करने आ गई यहाँ पे। ठीक नहीं लग रही, क्या फील हो रहा है बताओ, सबको बता दो क्या हो रहा है आपको, हो क्या रहा है, उल्टी। तो फिर मैं यहाँ पर दाल का तड़का दे दी। दाल के तड़के में मैंने जीरा, हरी मिर्च डाली है, कढ़ी पत्ता मैंने इसमें डाल दिया एंड हाँ लहसुन भी डाला था, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चिली पाउडर डाल दिया है और हींग भी डाला था। तो इस सबसे ना दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, स्पेशली मुझे ना इसमें लहसुन अगर खूब सा डालूँ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर फिर मैंने ये जो मैरिनेट किया था ना बैंगन, उसको मैंने डाल दिया। तो ये हरे वाले बैंगन जो होते हैं ना, ये भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसका भी मैं बना लेती हूँ, या कभी सब्जी में या फिश में भी आप डालोगे तो ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो यहाँ पर हल्का सा ही थोड़ा थोड़ा जो है ऑयल में मैं कर रही हूँ। देखो क्या लाया, दिखाओ नीरज, चौकुलावा। ध्यानश का तो लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, नहीं खाएगा ध्यानश, है ना। तो मैं पूरा खा लूंगा। तो भैया पूरा खा रहा, ध्यानश नहीं खाओगे ना। मैं खाऊंगा पर लेकिन अब उल्टी हो जाएगा, कंट्रोल नहीं हो रहा। ये आपके लिए है मम्मा, दिस इज फॉर मी। ओके, और मुझे भी ये लो चीकू। इसमें क्या है, चौकुलावा। मुझे भी गाइस बहुत पसंद है। मेरे को नहीं खाएगा ये, बोला ये खाऊंगा। तो मैं बीच में ना कुकिंग छोड़कर चली गई थी, हस्बैंड ब्राउनी लेकर आए थे, थोड़ा पेस्ट्री मेरे लिए लेकर आए थे, बच्चों के लिए ब्राउनी, तो बोले पहले वो खा लो वरना बेकार हो जाएगा गरम गरम ही। तो फिर उसके बाद मैं फिर कुकिंग में आ गई खाने के बाद। तो यहाँ पर मैं अभी बहुत ही अच्छा एक चिप्स बनाऊँगी। तो करेले में मैंने ना राइस फ्लावर, बेसन डाल दिया है और जो बेसिक मसाले थे वो सारे डाल देने हैं। थोड़ा सा आपको ना करेला मतलब ऐसे कड़वा ना लगे तो आप ना इसमें आमचूर पाउडर भी डाल देना और ये बहुत यम बनता है गाइस। बहुत कभी कभी इस तरीके से भी खा लेना चाहिए, वैसे इस तरीके से तो बहुत कम खाती हूँ, बट अगर ना आप इसमें ऐसे करोगे तो कभी कभी खाने का टेस्ट अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। थोड़ा सा ऑयल मैंने थोड़ा, आप इसको डीप फ्राई ही कह सकते हो, बट मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है। इस तरीके के पैन आप लोग ना जो थोड़े फैले हुए होते हैं और डीप नहीं होते हैं, तो इसमें थोड़े कम ऑयल में भी ना अच्छा फ्राई हो जाता है। इसको हमें क्रिस्पी फ्राई होकर मतलब निकाल लेना है। इतना टेस्टी बना था, मैंने थोड़ा बहुत खाए ऐसे ही और इवन हस्बैंड ने भी खाया और नीरव को तो पसंद आया तो दोबारा उसने मांग कर खाया था।
तो इसी तरीके से सारे बैच को मैंने फ्राई कर लिए और दो बार में सारे अच्छे तरीके से हो गए। देन मैंने ना थोड़ा सा चिली, मेरे पास बहुत सारा फ्रिज में हो गया था, जब सब्ज़ी लाने जाते हैं ना तो वो सब्ज़ी वाले भैया बहुत सारा चिली एक्स्ट्रा दे देते हैं, कई बार मना कर देती बट दे देते वो हमेशा। तो बस यहाँ पर ऑयल में मैंने चिली डाल दिया, जो भी सिंपल मसाले होते हैं बेसिक मसाले वो डाल देने आपको, एंड देन आप इसमें आमचूर पाउडर डालना चाहते हो तो वो डाल दो। और मैंने आमचूर पाउडर की जगह ना यहाँ पर ना लेमन डाला है और थोड़ा सा मैंने ना ब्लैक सॉल्ट भी डाला था। और बस हमारा खाना रेडी है, सिंपल सा हमारा वेज जो थाली कहो ये जो भी कहो वेज रेसिपी रेडी है हमारा। और इस तरीके से सर्व कर लूँगी, जब आप ऐसा कुछ बनाते हो ना और अच्छे से सर्व करो। लो अब खाना। यार वैरायटी ज्यादा मत दिया करो, पता है क्या हो रहा है? ये बनाना नीरा करेला बार बार मांग के खा रहा था। करो नहीं चिप्स नमक का लौकी डाल क्या? लौकी डाला हाँ डाल कैसा है? दाल में नमक चाहिए तो बता दो। हे गाइस, बस आज का व्लॉग यहीं तक, मैं कल फिर मिलती हूँ आपसे एक और नए व्लॉग में। तो कल नीरव का एग्ज़ाम है तो अभी मैं रात को उसको पढ़ाऊँगी। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मज़ा आया होगा आज का व्लॉग। तो बस मैं जा रही हूँ अभी खाना खाने, क्योंकि हस्बैंड को थोड़ा भूख लगा था, बाहर से आए थे तो उनको दे दिया, अब मैं जा रही हूँ खाने।